हेलो और वेलकम फ्रेंड्स। गूगल शीट में अलग अलग तरीके से शॉर्टिंग करने के तरीके सीखेंगे। देखिए यहाँ पर गूगल शीट ओपन किया है और ये देख सकते हैं यहाँ पे नेम ऑफ अ स्टूडेंट है और यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं और फिर यहाँ पे टोटल किया गया है। अब इसको हम अलग अलग तरीकों से कैसे शॉर्ट कर सकते हैं। देखिए पहला तो तरीका ये है कि आप कहीं भी किसी भी सेल पर आपका जहाँ डेटा है किसी भी एक सेल में क्लिक कर दीजिए और कंट्रोल ए प्रेस कर लीजिए। जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये पूरा डेटा जो है आपका सिलेक्शन में आ जाएगा और सिलेक्शन में आने के बाद आपको क्या करना है, सिलेक्शन में आने के बाद आपको यहाँ से राइट क्लिक करना है। ठीक है, क्या करना है, राइट क्लिक। तो यहाँ से राइट क्लिक जैसे ही करेंगे आप तो यहाँ पे देखेंगे कि ये शॉर्ट रेंज आपको दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। अब ये कह रहा है कि शॉर्ट रेंज फ्रॉम B2 to H14, B2 से लेकर, ये देखिए ये सेल रेंज B2 है और H14 में हमारा लास्ट डेटा है। ठीक है, मतलब कि B2 से लेकर H14, अब 14 कहाँ पे है, ये देखिए नीचे देखिए यहाँ पे 14 दिया गया है, तो H14 जो है वहां तक के डेटा को आप शॉर्ट करिए। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है शॉर्ट बाई कॉलम B। ठीक है, और इस पर टिक नहीं लगा हुआ है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगर टिक लगाएंगे तो हेडर के हिसाब से ये शॉर्ट करेगा। तो अब यहाँ नीचे देखते हैं हम तो यहाँ पे अलग अलग कॉलम्स की लिस्ट हमें नजर आती है, लेकिन जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेगा स्टूडेंट नेम के बेस पे शॉर्ट करना है, सब्जेक्ट के बेस पे करना है या किसके बेस पे करना है, ये चीजें आपको दिखाई पड़ने लगेंगी। ठीक है, इसमें और भी चीजें दिखाता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है एड अनदर शॉर्ट कॉलम। अगर आपको कोई अलग से शॉर्ट कॉलम ऐड करना हो तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे बी हो गया, सी हो गया, बी और सी के बेस पे हम शॉर्ट करेंगे। तो अगर आप शॉर्ट कर देते हैं इसको यहाँ से तो ये देखिए ये सारी चीजें जो हैं इस तरीके से आ जाएंगी। मैंने हेडर भी सेलेक्ट किया था इसलिए हेडर भी शॉर्ट होकर आ रहा है। तो अगर आप हेडर नहीं सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, बाकी का पूरा डेटा सेलेक्ट करेंगे तो आपका डेटा ही केवल शॉर्ट होगा। तो यहाँ पे देखिए ये मैं सेलेक्ट करके दिखाता हूँ, ये मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से राइट क्लिक करके और फिर यहाँ शॉर्ट रेंज पे चलते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दिया हुआ है, इसमें एक और कॉलम ऐड करते हैं। ठीक है, डी भी ऐड कर दिया मैंने और अब इसको शॉर्ट करते हैं तो आप देखेंगे कि ये इसी कॉलम्स के बेस पे शॉर्ट हो गया है और ये सारी चीजें एकदम से जो है शॉर्ट होकर आ रही हैं। ठीक है, अगला तरीका क्या है शॉर्ट करने का कि आप इस पूरे रेंज को सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, कंट्रोल ए प्रेस करके भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, और यहाँ से माउस की मदद से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने कर लिया इसको सेलेक्ट। अब सेलेक्ट करने के बाद आपको जाना कहाँ है, यहाँ पर देखेंगे जैसे ही डाटा टैब पे आएंगे तो डाटा टैब में आपको ये सारे ऑप्शन आपको दिखाई पड़ेंगे, जैसे शॉर्ट बाई कॉलम A to Z। ठीक है, बी को A to Z के क्रम में शॉर्ट कीजिए, शॉर्ट बाई कॉलम बी Z to A मतलब जेड से ए के क्रम में शॉर्ट करेंगे, कैसे शॉर्ट करना है, बी वाले कॉलम को शॉर्ट करना है, कैसे शॉर्ट करना है, ये सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। यहाँ से भी आप शॉर्ट रेंज पे जा सकते हैं और सेम वही चीज़ कर सकते हैं। अगर इस पर टिक करते हैं तो हेडर के हिसाब से ये शॉर्ट कर देगा। ठीक है, तो ये देखिए ये शॉर्ट होकर आ चुका है। तो कुछ इस तरीके से शॉर्टिंग आप कर सकते हैं, आई होप के बात समझ में आ गई होगी। एकदम लास्ट में एक और है शॉर्टिंग का तरीका और वो शॉर्टिंग का तरीका काफी मजेदार है। फॉर्मूले से हम शॉर्टिंग कर सकते हैं। कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए सीट नंबर 1 पे है, जगह कम पड़ रही है तो सीट नंबर 2 पे आ गए और यहाँ पर हम शॉर्टिंग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ पर लिखता हूँ फॉर्मूला SORT, शॉर्ट का एक फॉर्मूला आपको गूगल शीट में मिल जाता है जिसकी मदद से आप शॉर्ट करेंगे। तो यहाँ पे जाइए और यहाँ पर आप हेडर को छोड़ करके पूरा डेटा सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, ये पूरा डेटा आपने सेलेक्ट किया। ठीक है, अब ब्रैकेट को क्लोज कीजिए और जैसा ही एंटर प्रेस करेंगे तो देखेंगे कि एक जादू होगा, ये सारा का सारा डेटा जो है शॉर्ट होकर आ जाएगा। ठीक है, अगर पहले से शॉर्ट है तो सेम डेटा आएगा, अदरवाइज पूरा डेटा शॉर्ट होकर आ जाएगा। तो ये देखिए ये कुछ इस तरीके से शॉर्ट होकर के दूसरे शीट पे आ गया है। तो ये फायदा है अगर आप शॉर्टिंग करना चाहते हैं तो। ठीक है, तो अलग अलग तरीकों से शॉर्टिंग के ये तरीके आपको जरूर पसंद आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो आप इसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।